इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हम कैसे कोई भी रियलमी फोन का लॉक स्क्रीन एंड होम स्क्रीन में डुअल क्लॉक को सेट कर सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ये डुअल क्लॉक होता क्या है। डुअल क्लॉक मतलब दो क्लॉक मतलब घंटे, दो घंटे नहीं, ऐसा नहीं है। डुअल क्लॉक मतलब आपके फोन के होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन में दो क्लॉक दिखाई देगा जो कि दो अलग अलग टाउन के, अलग अलग सिटी या अलग अलग कंट्री के भी हो सकते हैं। ऐसे कोई बात नहीं कि अलग अलग सिर्फ कंट्री का होगा, ऐसा नहीं है। आप इंडिया के भी दो क्लॉक लगा सकते हैं, इंडिया एंड बांग्लादेश का भी दो क्लॉक लगा सकते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं। ओके, एक्चुअली इसके पहले रेडमी फ़ोन में कैसे डुअल क्लॉक सेट करेंगे इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक्चुअली उस वीडियो में बहुत सारा कमेंट आया कि अलग अलग फ़ोन में हम कैसे डुअल क्लॉक सेट कर, जैसे कि रियलमी का सबसे ज़्यादा कमेंट आता था, रियलमी, सैमसंग या कोई अलग फ़ोन में भी ऐसे बहुत सारे कमेंट आता था। तो मैं सोचा हर फ़ोन के मॉडल के लिए एक वीडियो बना दूंगा, इसके लिए आपको ईजी हो जाएगा कि दूसरे दूसरे फ़ोन में कैसे डुअल क्लॉक सेट करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो दो तीन वीडियो देखने के बाद आप हमको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो सीधा चलते हैं अपने फ़ोन के स्क्रीन में एंड देखते हैं कैसे हम रियलमी फ़ोन में डुअल क्लॉक सेट करेंगे। ओके, देखो रियलमी फ़ोन में डुअल क्लॉक सेट करना काफ़ी आसान है। ये जो फ़ोन है ये है रियलमी 8 प्रो, यहाँ पर हम डुअल क्लॉक सेट करके दिखाएंगे। सबसे पहले देखिए जो डिफ़ॉल्ट क्लॉक आता है वो सिंगल क्लॉक है 15:17, मतलब क्या ये है सिंगल क्लॉक। यहाँ पर सिर्फ आप एक कंट्री या एक लोकेशन का टाइम देख सकते हैं। तो अभी हम जब सेट करेंगे वो दो अलग अलग कंट्री या अलग अलग टाउन का टाइम दिखाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग यहाँ पर ऊपर से आपको सेटिंग मिलेगा, सेटिंग में जाके सेटिंग में थोड़ा सा नीचे जाके आपको एडिशनल सेटिंग मिलेगा, यहाँ पर देखिए एडिशनल सेटिंग है। नेक्स्ट डेट एंड टाइम वाला जो ऑप्शन है इसको क्लिक करेंगे। अभी देखिए यहाँ पर आपको डुअल क्लॉक का ऑप्शन मिलेगा, डुअल क्लॉक को क्लिक करेंगे एंड डुअल क्लॉक को ऑन कर लेंगे एंड यहाँ पर सेट कर लेंगे। अभी ये आपको एक दूसरा लोकेशन चूज करने के लिए बोलेगा, जहाँ पर आप मतलब सेकेंड क्लॉक आप जिस कंट्री का या जिस सिटी का देखना चाहते हैं। जैसे कि मैंने अभी लेट लंदन का चूज कर लेता हूँ। ओके, नेक्स्ट सेट में क्लिक करेंगे तो अभी हमारा डुअल क्लॉक सेट हो गया है। अभी अगर हम खोल के देखेंगे तो डुअल क्लॉक आ गया है। ओके, अभी यहाँ पर देख सकते हैं ये है हमारा इंडिया का क्लॉक 15:19 एंड ये है लंदन का क्लॉक 10:49। ओके, इसको आप चाहे तो 12 आवर में कर सकते हैं। कैसे करेंगे, फिर से वही सेटिंग वाला ऑप्शन में जाएंगे एंड यहाँ पर एडिशनल सेटिंग में जाके एडिशनल सेटिंग में क्लिक करेंगे एंड डेट एंड टाइम में क्लिक करके यहाँ पर देखिए 24 आवर फॉर्मेट जो है इसको चेंज कर लेंगे तो ये 12 आवर वाला फॉर्मेट आ जाएगा। देखिए 3:19 एंड 10:49। कुछ फ़ोन में ऐसे डायरेक्टली नहीं दिखाएगा, उसमें उस केस में आपको क्या करना है, लॉन्ग प्रेस करना है एंड यहाँ पर देखिए थोड़ा सा साइड करेंगे तो विजार्ड वाला ऑप्शन मिलेगा, विजार्ड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर एक डुअल क्लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसको क्लिक करके आप ऐसे डुअल क्लॉक यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ओके, तो डुअल क्लॉक को रिमूव करने का तरीका भी वही सेम है, आपको सेटिंग में जाना है, नेक्स्ट एडिशनल सेटिंग में जाके डेट एंड टाइम में क्लिक करना है एंड डुअल क्लॉक को जाके इसको यहाँ पर ऑफ कर देना है। तो अभी आपका जो मोबाइल में जो क्लॉक दिखाएगा वो सिंगल क्लॉक हो जाएगा। ओके, डुअल क्लॉक नहीं दिखाएगा। डुअल क्लॉक को और सेकेंडरी क्लॉक भी कहा जाता है, तो आप आपके फ़ोन में अगर सेकेंडरी क्लॉक वाला ऑप्शन है इसको भी आप क्लिक करके डुअल क्लॉक ऐड कर सकते हैं। ओके, इसी तरह से आप रियलमी फ़ोन के साथ अलग अलग कंपनी के फ़ोन में डुअल क्लॉक सेट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, अगर आपको हमारा कंटेंट सच में पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अच्छा लगेगा। 100 के सब्सक्राइबर जल्दी कंप्लीट करना है हमको, है कि नहीं। एंड हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।